हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं जो है क्लस्टर मॉनिटर में जो है रेंज वाली जो है लाइट आ रही है और रेंज वाला जो है डिस्प्ले में शो कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, और आप देख सकते हैं कि हमारा जो आरपीएम मीटर है उसके ऊपर एक रेड लाइट जो है जल रही है। उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, गाड़ी का जो पिकअप है वो लॉस हो रहा है, गाड़ी जो है दब के चल रही है। तो इस लाइट में और वो जो रिंच ऐसा बन के आ रहा है उस कंडीशन में हमें जो है क्या क्या करना है क्या नहीं करना है वो इस वीडियो में ही देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि एक बार फिर से आपको गाड़ी को स्टार्ट करके सारी चीज़ें में कि आरपीएम वगैरह खड़ी गाड़ी में पूरा जाएगा, लेकिन जब गाड़ी चलेगी यानी रनिंग कंडीशन में होगी तो जो टॉर्क रिडक्शन जो है होगा, यानी पुअर पिकअप का इशू जो है आएगा। तो आप देख सकते हैं साइड में अभी भी उसी तरीके से जो है लाइट जो है बना हुआ है, और क्लस्टर में कैसे जो है एरर कोड नहीं आता है इसका ना। अगर लैपटॉप भी लगा के हम चेक करेंगे तो कोई एरर कोड नहीं आएगा। तो हम एक बार क्लस्टर में भी आपको दिखा देते हैं, मतलब जो एरर कोड वाला जो डायग्नोस्टिक और स्कैनर होता है वो भी ओके बताता है। तो इस सिचुएशन में जो है हमें कैसे क्या चेक करना है, तो सबसे पहले हम एयर फिल्टर चेक करेंगे कि हमारा एयर फिल्टर कहीं चोक तो नहीं है। क्या होता है, एयर फिल्टर भी चोक होगा तभी भी सेम समस्या जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एयर फिल्टर को बाहर निकाल के रख लेना है, उसके बाद जो है हम चेक करेंगे चाबी ऑन ऑफ करके। तो उस सिचुएशन में जो भी फिर भी हमको अगर ये लाइट देखने को मिल रही है, तो और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी अगर वो लाइट जा नहीं रही है तो अभी इसका मतलब जो है अभी प्रॉब्लम जो है सट आउट नहीं हुई है। तो हमें क्या करना है, एयर फिल्टर का जो जो कवर होता है उसमें जो है एक, ये देखो आप देख सकते हैं वैक्यूम इंडिकेटर, एक वैक्यूम इंडिकेटर लगा होगा, उसमें जो है कपड़ा लगा होगा, उसको हम निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है कपलर को हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो है उसमें वोल्टेज चेक करेंगे, तो वोल्टेज समथिंग उसमें जो है लगभग 24 वोल्ट के आसपास जो है उसे आना चाहिए। 24 वोल्ट की जो है सप्लाई उसमें समथिंग रहनी चाहिए। उसके बाद जो है हम सेंसर को निकाल लेंगे। सेंसर को निकालने के बाद जो है सेंसर का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। अगर सेंसर का रेजिस्टेंस ओके आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सेंसर को अच्छे से क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद इसे जो है दोबारा से रिफिटमेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं सेंसर को हम अच्छे तरीके से जो है क्लीन कर दिया है। क्लीन कर देने के बाद जो है गाड़ी को जो है गाड़ी में जो है नया मतलब यही सेंसर जो है दोबारा से लगाएंगे। लगाने के बाद जो है आप देख सकते हैं जो क्लस्टर मीटर में जो लाइटें आ रही थी वो ऑटोमेटिक चली गई, ना ही स्कैन टूल की मदद से ना ही मोबाइल के डायग्नोस्टिक की वजह से, ऑटोमेटिक। मतलब आपको समझना होता है कि एक्चुअल में गाड़ी में फॉल्ट क्या है।